नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश जायसवाल और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे। आज की मेरी ये वीडियो स्पेशली महिंद्रा का काम करने वाले भाइयों के लिए है, जो कि महिंद्रा के लिए टोटल सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं और मार्केट में गरुड़ 2 के ऊपर में 50-60-70 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं। तो उन भाइयों के लिए ये वीडियो है कि बेसिकली दोस्तों, जो महिंद्रा का जो सॉफ्टवेयर आता है वो किसी भी पास थ्रू डिवाइस में चल सकता है, चाहे वो डिवाइस 10,000 का हो, 15,000 का हो या 20,000 का हो, वो मैटर नहीं करता है। फर्क सिर्फ आता है स्पीड में, कि आपके काम करने की स्पीड क्या होगी। जहाँ पे पाइथन, गरुड़ा और गरुड़ा 2 में भी जो है सिर्फ फर्क स्पीड का होता है, वैसे ही पास थ्रू डिवाइस की क्वालिटी में सिर्फ फर्क स्पीड का होता है, बाकी आप सारे काम कर सकते हैं। जैसा कि अभी BS6 के लिए बहुत सारे भाइयों की रिक्वायरमेंट है कि सर 37 ग्राम के ऊपर में हमारी गाड़ी में या वो रिजनरेशन नहीं हो रहा है, अगर यूरिया ख़त्म हो गया है तो वो रीसेट नहीं हो रहा है, उसका टैंक लेवल रीसेट नहीं हो रहा है। तो इन सभी प्रॉब्लम का अगर आप लोगों को टोटल सॉल्यूशन चाहिए, महिंद्रा की स्कैनिंग डायग्नोसिस का टोटल सॉल्यूशन चाहिए, तो आज की ये वीडियो मेरी उन्हीं भाइयों के लिए है। मैं लेकर के आया हूँ VS बैग नैनो, जिसके साथ में हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे महिंद्रा आई फ्लैश, आई सिक्योर और आई स्मार्ट तीनों का, और इसकी कंप्लीट सेल ऑफ्टर सर्विस के साथ में, जहां पे हमारी टीम आपको रीजनरेशन से लेकर के फ्लैशिंग तक की सारी हेल्प करेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा स्कॉर्पियो S5, जिसका जो सूट मास वैल्यू है वो 56 ग्राम पहुँच गया है और इसका रीजनरेशन आफ्टर मार्केट किसी टूल से नहीं हो रहा था, तो मैंने इसे आई स्मार्ट के जरिए करके दिखाया है। तो आप लोग भी देखिए और सीखिए कि रीजनरेशन कैसे किया जाता है। बाकी जो टूल हमसे लेंगे उनको हमारी तरफ से पूरी सेल आफ्टर सर्विस दी जाएगी रीजनरेशन में। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये गाड़ी में जो है आज हम करने वाले हैं DPF रीजनरेशन, और ये है हमारी स्कॉर्पियो की S5, और हमारे पास में जो डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली VX डायग है, जो कि एक पास थ्रू डिवाइस है, और जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं ये है महिंद्रा का ओरिजिनल सॉफ्टवेयर दोस्तों। तो अब यहाँ पे जो है हमें सबसे पहले क्या करना है, गाड़ी सिलेक्ट कर लेनी है। देखिए दोस्तों इस तरीके से जो है हम लोग अपनी गाड़ी सिलेक्ट करते हैं स्कॉर्पियो, ये रही हमारी स्कॉर्पियो। इसके ऊपर में जब हम क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे फिर मॉडल आएगा, तो ये हमारी स्कॉर्पियो BS6 है, तो हम क्या करेंगे स्कॉर्पियो BS6 के ऊपर में क्लिक कर लेंगे। अब जो है यहाँ पे दोस्तों, अब यहाँ पे सारे मॉड्यूल्स की 1x1 स्कैनिंग चालू हो गई है, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी DTC आ रही है वो आ रही है DPF सूट मास वेरी हाई P2463 वेरी हाई में आ गया है, और 1x1 जो है हमारा जो ये स्कैनर है ये सारे मॉड्यूल्स की DTC को स्कैन कर रहा है। जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो मॉड्यूल इसके अंदर में इक्विप्टेड नहीं है उसमें रेड कलर का डॉट आ रहा है, और जो इसके अंदर में है उसमें ग्रीन कलर का डॉट आ रहा है, और ये 1x1 सारे मॉड्यूल्स को स्कैन कर रहा है। स्कैन करने के बाद में देखिए यहाँ पर नीचे आएगा आपको प्लीज़ वेट, प्रोसेस कम्प्लीट हो गई है हमारी। तो अब हमको क्या करना है, हमको ECM के ऊपर में क्लिक कर देना है दोस्तों। जब ये ECM के ऊपर में आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फिर पूरा ऑप्शन आएगा, जैसे कि रीड DTC, लाइव डेटा, एक्चुएशन टेस्ट वगैरह। तो DTC हम लोगों ने देख लेते थी कि DTC हमारी जो है DPF सूट मास वेरी हाई दिखा रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे रूटीन टेस्ट में। इसमें देखिए DPF सर्विस रीजनरेशन में जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे चेक प्री कंडीशंस देखेंगे। चेक प्री कंडीशंस क्या होता है, मतलब कि रीजनरेशन करने के लिए गाड़ी में क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए वो सारी कंडीशन हमको इस स्कैनर में बताएगा। तो हम प्री कंडीशंस के ऊपर में क्लिक करते हैं दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो कंडीशन मेरी मैच नहीं कर रही है उसमें रेड कलर का सिंबल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है एक तो हमारा टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर गाड़ी स्टार्ट करके इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंजन ऑन की जो टाइमिंग है वो 30 सेकंड से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये भी हमारी हम कर सकते हैं, और टेम्परेचर 75 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए तो ये भी हम कर सकते हैं। मगर एक चीज़ जो आप देखेंगे तो वो है मेजर्ड सूट मास,
ये 0 से 37 ग्राम के बीच में होना चाहिए और ये हमारा 56.63 ग्राम है, तो इस वजह से हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो गाड़ी को स्टार्ट भी करेंगे तो हमारे को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें इसको रीसेट करना पड़ेगा, इसकी लर्निंग को रीसेट करना पड़ेगा। और जो ये वाला डिवाइस है महिंद्रा का ओरिजिनल जो सॉफ्टवेयर के साथ में चल रहा है, ये इस चीज़ को करने में कैपेबल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे राइड डाटा में। राइड डाटा में जाने के बाद में DPF राइट में जाएंगे और यहाँ पे जो है हर डिवाइस का अपना एक पासवर्ड डलता है, तो हम ये पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद में DPF लर्निंग रीसेट के ऊपर में क्लिक कर देंगे। दोस्तों फिर उसके बाद में इसने बोला कि भाई ये है, यस कर दीजिए। मैं क्या जी यस। तो दोस्तों यहाँ पर एक्चुअली में एक छोटी सी मिस्टेक हमसे ये हो गई कि हम रीसेट तो कर रहे थे मगर हमने जो है साइलेंसर को हीटअप नहीं किया था, यानी कि गाड़ी के टेम्परेचर को गर्म नहीं किया था। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने गाड़ी को थोड़ा सा चलाया, गर्म किया, उसके बाद में मैं इसको फिर से अगेन रीसेट करता हूँ। तो दोस्तों जैसे हम लोग रीसेट करेंगे तो हमारा DPF रीसेट डन सक्सेसफुली दिखाएगा। इसमें याद रखिएगा कि अगर आपका यहाँ पर नेगेटिव रिस्पॉन्ड आएगा ना, तो आप लोगों को डेल्टा प्रेशर सेंसर के दोनों पाइप को खोल करके 4-5 किलोमीटर चला लेना है गाड़ी को, उसके बाद खींचेगा। ओके, अब यहाँ पे अगेन जो है मैं DPF रीसेट किया हूँ, अब DPF की जो है लर्निंग को भी रीसेट कर देता हूँ। ये मैंने पासवर्ड डाला और ये मैंने कर दिया इसको रीसेट, और ये DPF रीसेट यस सक्सेसफुली। अब उसके बाद में हम लोग जो है दोस्तों राइट डाटा में जाएंगे, उसके बाद में DPF राइट में जाएंगे और DPF राइट में जाने के बाद में सॉरी ये तो हम लोगों ने कर लिया, रूटीन टेस्ट में जाना है दोस्तों। रूटीन टेस्ट में जाने के बाद में DPF सर्विस रीजनरेशन में चेक प्री कंडीशंस करनी है एंड फिर यहाँ पे हमको देखना है कि कितना आ रहा। तो देखिए अभी हमने रीसेट कर दिया है तो हमारा 0.06 ग्राम आ गया है। अब जो है मुझे इसे करना है यहाँ पर, ओके एवरीथिंग इज डन। अब अपन कर देंगे इसको ओके, एक नंबर सीन है भाई, ये यस कर देंगे। अब जो है देखिए यहाँ पर हीट अप इन स्टेट प्रोग्रेस सर्विस रीजनरेशन इज करेंटली बीइंग कैरिंग आउट, और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो इंजन RPM है दोस्तों, मेरी गाड़ी का इंजन RPM भी ज़्यादा हो चुका है और हमने किसी भी प्रकार से एक्सीलेटर को प्रेस नहीं किया है। एंड जो टेस्ट है ये हमारा रनिंग है। अब जो है यहाँ पर हम चाहें तो इसको अभी फ़िलहाल में पूरा कंप्लीट होने देंगे, उसके बाद में फिर आगे के प्रोसेस हम आपको बताते हैं। अब दोस्तों देखिए रीजनरेशन स्टेट इन प्रोग्रेस सर्विस रीजनरेशन इज बीइंग कैरिंग आउट, और जो हमारा RPM है वो भी थोड़ा और ज़्यादा बढ़ चुका है दोस्तों। और यहाँ पर जो टेस्ट है ये हमारा सक्सेसफुली रनिंग हो रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों अभी रीजनरेशन हमारा चल रहा है मगर RPM अभी थोड़ी देर के लिए नीचे आया है। अब लेट्स सी कि आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं। दोस्तों रीजनरेशन कंप्लीट होने के बाद में आपका DPF सूट मास हाई जो है वो हील्ड में चला जाएगा। हील्ड में जाने के बाद में हमने करना ये है कि हमने इसको क्लियर कर देना है, और क्लियर करने के बाद में जो हमारी यहाँ पर चेक इंजन लाइट आ रही है, ये चेक इंजन लाइट आना भी बंद हो जाएगी। चलिए देखते हैं। अब जो है हमारा कोड हो गया हिस्ट्री में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हील्ड एंड हिस्ट्री। और दोस्तों DTC क्लियर करने के बाद में हमारी चेक इंजन लाइट भी जा चुकी है
और हमारी गाड़ी जो है अब उसका पावर पिकअप भी टेस्ट कर लेंगे। वो VCI निकाल दीजिए। हाँ निकाल दो। DTC क्लियर, चेक इंजन लाइट क्लियर और गाड़ी में पावर पिकअप भी क्लियर। मैं छोड़ देता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और काफी हेल्पफुल होगी आपके काम के लिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, टूल पसंद आता है, तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय।